hello students you are welcome in bsc part first physics class we have started the paper first that is mechanics it's the lecture second and we are starting here unit first unit first जिसका नाम है निर्देश तंत्र यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय एवं अजतवीय तंत्र ये हमारे पास में पहली यूनिट है परिचय अगर अपन देखें तो विद्यार्थियों आप इस समय अपने बारे में सोचें कि आप कहां पर हैं पोजिशन, आपकी स्थिति क्या है विचार करें और अपने आप को परिभाषित करें कि मेरी यह स्थिति है तो ये निश्चित रूप से एक आसान प्रश्न नहीं है क्योंकि आपको आपकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए आपको अपने परिवेश के बारे में देखना होता है कि आप कहां पर हैं यानी कि आपके बाएं दाएं ऊपर नीचे क्या है आपका अपना घर हो सकता है आपके घर में आपका कोई पर्टिकुलर कमरा हो सकता है अब इसी स्थिति के बारे में हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि आपका घर आपका कमरा आपका शहर आपका जिला आपका स्टेट और आपकी इस पृथ्वी पर स्थिति तो स्थिति का निर्धारण करने के लिए इतनी सारी परिभाषाओं से आपको गुजरना पड़ता है और इन सब परिभाषाओं में हम एक चीज कहते हैं कि अगर आप स्थिति का निर्धारण करेंगे और उसको यह कहें कि निरपेक्ष रूप से मेरी यह स्थिति है तो यह सब कुछ कह पाना आपके लिए हमारे लिए किसी के लिए संभव नहीं है हमें स्थिति का निर्धारण करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी एक दूसरे स्थिति से दूसरी स्थिति से तुलना करनी होगी वह दूसरी स्थिति आपका घर हो सकता है कि कहाँ है आपके घर हैं अगर ये कहा जाए कि कॉलेज कहाँ पर है कॉलेज की स्थिति क्या है आप तुरंत कह देंगे मेरे घर से दो किलोमीटर दूर कॉलेज स्थित है यानी कि आपने आपके घर को परिभाषित किया उसकी स्थिति को परिभाषित करने के लिए पहले आपको आपका घर लेना पड़ा इस तरह से एक कोई निर्देश बिंदु की हमें आवश्यकता होती है किसी भी स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें एक बिंदु की आवश्यकता होती है और इस बिंदु को हम निर्देश बिंदु कहें और इस निर्देश बिंदु से संबंधित जो भी तंत्र होगा उस तंत्र का नाम ही निर्देश तंत्र यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा निर्देश तंत्र कहलाएगा इसको हम कहते हैं निर्देश तंत्र यानी कि एक ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जाए अथवा गति का निर्धारण किया जाए उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं यानी कि इसकी परिभाषा हम देखें कि निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या होगी तो ये परिभाषा इस रूप में लिखी जा सकती है निर्देश तंत्र की परिभाषा ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण वस्तु की स्थिति अथवा गति का निर्धारण किया जा सके निर्देश तंत्र कहलाता फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का अथवा गति का निर्धारण किया जा सके निर्देश तंत्र कहलाएगा अब निर्देश तंत्र हम देखें तो प्राय निर्देश तंत्र को निर्धारित करने के लिए हम स्पेस में यानी कि आकाश में या परिवेश में तीन अक्षों का एक निकाय ले लेते हैं ये तीन अक्षों का एक निकाय जिसमें एक अक्ष एक्स अक्ष होती है दूसरी अक्ष वाई अक्ष होती है और तीसरी अक्ष ये जेड अक्ष होती है ये तीन अक्ष हैं। इन तीनों अक्षों में हम एक रिलेशनशिप देखते हैं कि ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती हैं। लंबवत इस सेंस में कि पहली अक्ष एक्स ये होगी दूसरी अक्ष वाई ये होगी दोनों एक दूसरे के लंबवत और तीसरी अक्ष जो जेड होगा वो इन तीनों अक्षों के लंबवत वा ये वाला अक्ष होगा जेड अक्ष इस तरह से तीन अक्षों का ये निकाय हम प्राय लेते हैं जिसको निर्देश निर्देशांकों का एक तंत्र कहा जा सकता है इनका इन तीनों अक्षों का कटान बिंदु ओ बिंदु होता है इस ओ बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये एक तंत्र इस तरह से है जिसमें जेड अक्ष ऊपर है इसी तरह से जेड अक्ष को अगर हम नीचे मान के चलें इस एक्स अक्ष को पीछे की ओर माने जैसे ये वाई अक्ष यथावत एक्स अक्ष ये और जेड अक्ष ये नीचे की ओर तो इस तरह का तंत्र भी हो सकता है ये भी एक परस्पर लंबवत अक्षों का तंत्र है इस प्रकार के तंत्र में हम दो तरह की बातें करते हैं ये दक्षिणावर्ती तंत्र हो सकता है और ये वामावर्ती तंत्र हो सकता है हम लोग प्राय जो कैलकुलेशंस करते हैं अध्ययन करते हैं उसमें हम इस तंत्र का ही उपयोग करते हैं तो ये जिसमें जेड अक्ष ऊपर होती है इसमें जेड अक्ष नीचे है तो ये इस तरह का तंत्र हम प्राय काम में लेते हैं तीनों अक्ष इसमें परस्पर लंबत होती हैं और इस तरह के तंत्र को हम नाम देते हैं कार्तीय तंत्र कार्डन सिस्टम कार्टेशन सिस्टम कार्तीय तंत्र तो ये तंत्र होगा दक्षिण भारतीय तंत्र अब हम देखें कि इसमें किसी बिंदु की स्थिति क्या हो सकती है किसी बिंदु और इस बिंदु का निर्धारण हम पी से करें कि पी की स्थिति किस तरह से हम इसको निर्धारित करें तो विद्यार्थियों इस निर्धारण को आप बहुत अच्छे से पिछले सालों में पढ़ चुके हैं मान लिया जाए कि बिंदु पी है और इसकी स्थिति को हम निर्धारित करने के लिए स्थिति के लिए पी स्थिति और इसको निर्धारित हम एक्स वाई जेड ये तीन संख्याओं का एक समुच्च हम ले लें और इस समुच्च की वैल्यू जैसे मान लिया जाए कि इसकी वैल्यू दो तीन चार उदाहरण के लिए मैंने ले लिया तो ये पी बिंदु की स्थिति है दो तीन चार ये इसके कहलाएंगे इस समुच्च को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक तो ये निर्देशांकों का अर्थ दो इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि एक्स दिशा में हम दो इकाई आगे बढ़े दो इकाई अब ये इकाई सेंटीमीटर में हो सकती है इंच में हो सकती है या मीटर में हो सकती है और ये दूरियों के रूप में अगर ज्यादा दूरियां हैं तो ये दूरी किलोमीटर्स में भी हो सकती है तो इस तरह से एक्स दिशा की इकाई दो यूनिट में होगी जो भी यूनिट है तो यहाँ तक ये एक्स का मान होगा एक्स यानी कि दो का मान ये इस तरह से हो वाई की अगर हम बात करते हैं तो इट इज वाई इज इक्वल टू थ्री मीन्स वाई अक्ष पर हमें तीन इकाई के रूप में लेना होता है तो ये वन टू थ्री इट इज वन टू इट इज वन टू थ्री जो भी हम इसके लेते हैं इसके अलावा जेड दैट इज़ फोर अब ये फोर तो ये आएगा ऊपर वाले इस और इसमें चार इकाई के बराबर एक दो तीन चार इस तरह से हम बिंदु का निर्धारण करेंगे तो ये मान लिया जाए कि जब हम यहाँ से ले रहे हैं तो ये एक दो तीन और चार ये बिंदु आ जाता है यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से तो मेरे पास में तीन यहां से मैं एक लंब इधर ड्रा कर देता हूं यहां से एक लंब मैं इधर ड्रा कर देता हूं और ये जो कटान बिंदु होगा ये केवल एक्स वाई टू डाइमेंशन में तो ये बिंदु हो सकता है मेरा जिसके निर्देशांक दो तीन होंगे लेकिन जेड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जेड बिंदु के लिए आपको ऊपर चार तक भी बढ़ना होगा यानी कि यहां से ऊपर चार तो ये बिंदु कहीं इधर आएगा और इस तरह के बिंदु का निर्धारण हम थ्री डायमेंशन में कर पाएंगे तो ये थ्री डायमेंशन में हो सकता है कि आप यहाँ से जो बढ़े एक दो तीन चार तो ये एक दो तीन चार इस तरह से तो ये बिंदु मेरे पास में पी बिंदु हो सकता है और इस पी बिंदु से संबंधित अगर हम देखें कि ये निरूपण कैसे बनेगा तो ये इस तरह का निरूपण बन सकता है इस तरह से तो ये मेरा पी बिंदु होगा और इस पी बिंदु के निर्देशांक दो तीन चार होंगे एक्स की वैल्यू यहां दो है y की वैल्यू यहां इसके लिए तीन है और z की वैल्यू ये z की वैल्यू इसके लिए चार है तो हम यहां से दो इधर चले तीन इधर चले और फिर एक दो तीन और चार इधर पहुंचे तो ये मेरे पास में P बिंदु का निरूपण होगा x y z के रूप में तो इस तरह से हम किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं एक बिंदु P हो सकता है दूसरा बिंदु Q हो सकता है क्योंकि भी कहीं दूसरी स्थिति हो सकती है तो विद्यार्थियों इस तरह से हम किसी तंत्र के सापेक्ष बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं और ये निर्धारण त्रिविमीय निर्धारण होगा इस त्रिविमीय निर्धारण में एक तो तरीका हो गया इसका निर्देशांकों के रूप में ये निर्देशांक निर्देशांकों के रूप में बिंदु की स्थिति एक तरीका है और दूसरा तरीका और हो सकता है इसमें और वो है स्थिति सदिश के रूप में निर्धारण स्थिति का निर्धारण तो विद्यार्थियों एक्स दिशा की दूरी को हम इस दूरी को एक्स से निरूपित करें एक्स की वैल्यू दो है ये अलग बात है दो हो सकती है तीन हो सकती है इस पर्टिकुलर केस में हमने दो लिया है। तो इसको हम सीधा एक्स से निरूपित कर दें। और ये दिशा में है एक्स दिशा का इकाई सदिश इसको हम आई कैप से निरूपित कर इसी तरह से तो ये एक्स दिशा की दूरी I दिशा में प्लस वाई दिशा की दूरी तीन जो हमने यहां लिए इसको मैं वाई से निरूपित कर दू, इसका एक देश, जे कैप। इसी तरह से जेड दिशा की दूरी चार इसको मैं जेड से निरूपित कर देता हूं तो ये, के कैप, यहां जेड दिशा का स्थिति सदस्य मान लेते हैं के कैप, तो ये स्थिति आर होगा यानी कि यह एक स्थिति सदिश के रूप में होगा और इसका निरूपण वेक्टर आर के रूप में होगा यानी कि इट इज ओ पी वैक्टर तो इस तरह से हम स्थिति सदिश के रूप में भी किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं लेकिन इन सब में आप देखिए जहां हम स्थिति आर की बात करते हैं तो ओ बिंदु आ गया और यह ओ बिंदु कौन सा है हमने निर्धारण तो पी बिंदु का करना है लेकिन ओ बिंदु साथ में आया है और ये ओ बिंदु साथ आने का मतलब ही मूल बिंदु है और ये मूल बिंदु निर्देश बिंदु यानी कि निर्देश बिंदु किसका है निर्देश तंत्र का है तो हम स्थिति को सीधा सीधा परिभाषित कर ही नहीं सकते हमें इसके निर्धारण के लिए किसी निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है इसका मतलब है कि गति या स्थिति ये दोनों ही निरपेक्ष रूप में इनका मापन संभव नहीं है ये आपेक्षिक राशि है इनके निर्धारण के लिए कोई निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है और निर्देश बिंदु से संबंधित तंत्र को निर्देश तंत्र कहा जाता है तो ये एक निर्देश तंत्र का परिचय था इसके बाद में गति क्या होती है गति के बारे में मैं आगे आपको पढ़ा